नगरपालिका क्षेत्र में इन दिनों अवैध कैबिन धारियों का बोलबाला बढ़ रहा है। नगरपालिका क्षेत्र के व्यस्तम इलाके में कई कैबिनों का निर्माण कर अवैध रूप से उन्हें स्थापित किया जा रहा है। पालिका प्रशासन इस प्रकार से अतिक्रमण को देखकर भी अनजाना बना हुआ है। वहीं नगर के व्यस्तम इलाके में देर रात को लसानी चौराहे पर एक के बाद एक धड़ल्ले से कैबिन रखे जा रहे हैं, परंतु पालिका प्रशासन मौन धारण कर आंखों पर पट्टी बांध रखी है। साथ ही और भी अवैध कैबिन रखे जाने के लिए तैयार जोर शोर पर है। पत्थर इत्यादि डालकर आधार तैयार किया जा रहा है। प्रशासन पालिका क्षेत्र के व्यस्तम इलाके में कई कैबिनों का निर्माण कर अवैध रूप से उन्हें स्थापित किया जा रहा है। नगर पालिका की करोड़ों की भूमि पर इस प्रकार से अवैध कैबिन रखे जाने से आम जन में काफी आक्रोश है। गत पालिका बोर्ड एवं पालिका प्रशासन की राजनीतिक शरण से कैबिन रखे जा रहे हैं, जिससे व्यवसाय का प्रभाव होता है प्रारंभ होता है, जबकि नगर पालिका प्रशासन प्रशासन के गठजोड़ के दबाव के चलते उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि पालिका की भूमि पर कैबिन धारी मामूली खर्च में ही कैबिन बना सक अपने व्यवसाय का आयाम स्थापित कर देते हैं एवं नियमों से चलते हैं, वही इस प्रकार के अवैध कैबिन पालिका प्रशासन के गठजोड़ के फलस्वरूप ही स्थापित किए जाते हैं। अवैध केबिन धारियों ने जिस प्रकार से लसानी चौराहे पर अवैध केबिन रखकर जमीन हथियाने का जो कुप्रयास कर रहे हैं, इससे वातावरण दूषित हो रहा है। साथ ही जिस प्रकार की गंदगी वहां फैल रही है, लोग गुटखा खाके जर्दा खाके इधर उधर थूकते हैं, इससे वातावरण दूषित हो रहा है। आने वाले बोर्ड से मैं निवेदन करूंगा कि इसे व्यवस्थित करें और अवैध केबिन जो लगाए जा रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाकर वहां उस जमीन को